ऐमन खान ने लाखों लोगों के दिल तोड़ दिए। अदाकारा ऐमन खान ने टीवी स्क्रीनों से मजीद दूर रहने का ऐलान करते हुए लाखों अफराद के दिल तोड़ दिए हैं, क्योंकि शायकीन बेचैनी से इनकी वापसी के मुंतजर थे। ऐमन खान ने बेटी की तरबियत के लिए मजीद कुछ अर्सा के लिए शोबे से दूर रहने का फैसला किया है, जिसका ऐलान उन्होंने अपने ताज़ा इंटरव्यू में किया। ऐमन खान ने अपने हालिया इंटरव्यू में बता दिया कि वो कब टेलीविजन स्क्रीन पर वापस आ रही हैं। ऐमन खान ने मुनीब भट्ट के हमरा सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के शो में शिरकत की, जहां उन्होंने मुख्तलिफ मौजूआत पर खुलकर बातचीत की। एक सवाल के जवाब में ऐमन खान ने बताया कि वो स्क्रीन पर वापस आएंगी, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि इनकी तवज्जो अपनी बेटी की तरबियत पर मरकूज़ है। ऐमन ने बताया कि मैंने काफ़ी छोटी उम्र में काम शुरू करते हुए शोबज में बहुत काम किया, फिर मेरी शादी हो गई तो मैंने कुछ वक्त के लिए ब्रेक लिया। जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मैंने उस वक्त मुनीब की मशावरत से फैसला किया था कि जब तक बेटी बड़ी नहीं हो जाती काम नहीं करूंगी। लोग मुझसे अक्सर सवाल करते हैं कि क्या मुझ पर शौहर ने काम की पाबंदी लगाई है, तो मैं इन्हें बताती हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये मेरा ज़ाती फैसला है। मेरे ख्याल में अगर बच्चों को छोटी उम्र में नज़रअंदाज कर दिया जाए तो फिर वो सारी ज़िंदगी संभल नहीं पाते। मैं नहीं चाहती कि कल मेरी बेटी बड़ी होकर वालदैन से सवाल करे कि इसे बचपन में क्यों नज़रअंदाज किया गया। ऐमन खान से मजीद पूछा गया कि आपकी वापसी छोटी स्क्रीन पर होगी या फिर बड़ी स्क्रीन पर, जिस पर अदाकारा ने कहा कि मेरा बड़े पर्दे पर काम करना सबके लिए एक सरप्राइज़ हो सकता है, हत्ता कि मुनीब भट्ट के लिए भी सरप्राइज़ होगा। प्रोग्राम में मुनीब भट्ट का कहना था कि मेरी तरफ से ऐमन पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, वो जब चाहे और जहाँ चाहे काम कर सकती है। ऐमन खान के इस ऐलान के बाद इनके लाखों पुरस्कार मायूस हैं जो इनकी शोबज में वापसी के मंतजर थे।